नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo T1X मोबाइल में ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। जी दोस्तों, आप जिस ऐप में अपना फिंगर ऐड कर दोगे, यानी कि दोस्तों जिस ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा दोगे, उस ऐप को आपके सिवा कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उस ऐप में अपना फिंगर सेंसर में अपना फिंगर नहीं लगाओगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो इसके लिए आपके यहाँ से अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न बनाया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले से बना के रखा है, तो वही यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐप इनक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगी, सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जिस एप्लीकेशन में आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है, उसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपना HDFC बैंक में फिंगरप्रिंट ऐड करेंगे, तो इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आपको बैक आ जाना है। एक बार फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको पहले से ही अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है, अगर आपने नहीं ऐड किया रहेगा तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने पहले से ऐड करके रखा है, तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपने लॉक स्क्रीन पैटर्न या पासवर्ड बनाया वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करोगे, आपने जो भी प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न बनाया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप डाल दोगे तो सक्सेसफुली आपके ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ से दिखा देते हैं दोस्तों, हमारे मोबाइल में यानी कि HDFC बैंक में फिंगरप्रिंट ऐड हुआ है। दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा रहा HDFC बैंक, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो फिंगर सेंसर दिख रहा है, और जैसे दोस्तों यहाँ पे अपना फिंगर लगाएंगे वैसे ही हमारा ऐप ओपन हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप Vivo T1X मोबाइल में किसी भी ऐप में फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।